कानपुर में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सशस्त्र बल वयोवृद्ध दिवस समारोह में कहा कि एक सैनिक परिवार, जाति और पंथ जैसी सोच से कहीं ऊपर उठकर पूरे राष्ट्र के बारे में सोचता है। उस सैनिक का सबसे बड़ा धर्म ये हो जाता है कि मैं रहूं या ना रहूं, मेरा देश रहना चाहिए, क्योंकि इस देश की निरंतरता में वो भी जीवित रहेगा, उसका नाम भी जीवित रहेगा। साथियों, यह किसी कॉन्फिडेंस से कम नहीं है कि हम अपने यंग सर्विसमैन यानी वेटरन्स के सम्मान के लिए कानपुर जैसी जगह पर एकत्रित हुए हैं। इस देश के सैन्य इतिहास की श्रेणी में कानपुर एक अपना अलग महत्व रखता है। 1857 में जब भारत के स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत हुई तो उस वक्त पेशवा नाना साहेब ने कानपुर के विदूर से ही विद्रोह का नेतृत्व किया था, और जब नाना साहब का जिक्र आता है तो उनके सेनापति तात्या टोपे का जिक्र भला कैसे न हो। इन दोनों वीरों की वीरता की कहानी विदूर और कानपुर तो क्या सारे देश के बच्चे बच्चे के जुबान पर होती है। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने जिस आजाद हिंद फौज का गठन किया उसकी पहला कैप्टन ऐसा साहब है जो न जाने कितने महान विभूतियों के उदय का साक्षी रहा है। इसलिए ऐसे शहर में आज अपने भूतपूर्व सैनिकों का सम्मान करना निश्चित रूप से मेरे लिए तो गर्व का विषय है, लेकिन हम सभी जो मंच पर बैठे हैं सबके लिए यह गर्व का विषय है। साथियों, आज हम अपने यंग सर्विसमैन यानी वेटरन्स के बीच मौजूद हैं, या कई सारे सिविलियंस भी उपस्थित हैं। मैं खुद भी एक सिविलियन हूं, लेकिन छात्र जीवन में एनसीसी के माध्यम से या फिर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में, फिर जब केंद्र में हमारी सरकार आई तो देश के गृह मंत्री के रूप में और विशेषकर रक्षा मंत्री के रूप में, तो सशस्त्र बलों के साथ मेरा बड़ा ही आत्मीय रिश्ता रहा है। कई बार तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे पिछले जन्मों के कुछ संचित पुण्य होंगे कि मुझे हमारे सैनिकों के साथ इतना आत्मीय संबंध बनाने का अवसर मिला है। तो उसके अंदर एक मनोवैज्ञानिक दबाव तो आता ही होगा। साथियों, उस सैनिक के मन में अपने अस्तित्व को लेकर कभी कभी यह सवाल तो आता ही होगा कि आखिर मैं कौन हूं और मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं, मैं क्यों हमेशा अपने जीवन को मैं दांव पर लगा रहा हूं। पैसे के लिए कोई व्यक्ति प्राण देने का खतरा उठाए ऐसा तो आम तौर पर देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि आप चाहे कितना भी पैसा कमा लें यदि आपका जीवन ही नहीं रहेगा तो आप उस पैसे का करेंगे क्या।